मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मासिक, महीना। मेरे को नॉलेज ही नहीं मैम इसके बारे में। आई डोंट नो अबाउट दैट। लड़कियों की जगह लड़कों को पीरियड्स होते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं? अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, लड़ाई कर लेंगे, तोड़फोड़ कर लेंगे, इससे ज्यादा उनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। इतनी इमेजिनेशंस तो नहीं है यार। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दे कुड हैव हैंडल्ड इट द सेम वे दैट लाइक गर्ल्स डू। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो आपने कई सारी वीडियो पीरियड्स पे देखी ही होगी, कई लोगों को इस पे बात करते हुए भी सुना होगा। जहाँ पहले लोग ये टॉपिक सुन के ही अपना मुंह मोड़ लेते थे, वहीं लोग अब इस पे खुलकर बात करने लगे हैं। हम भी आप पहुँचे हैं आप सबके बीच, आपसे आपके विचार जानने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अगर लड़कों को पीरियड्स होते तो वो सिचुएशन में क्या करते। तो चलिए जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से, मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मासिक, नहीं याद मुझे। मासिक, महीना। आई डोंट नो रियली। महावीरी, मेरे को नॉलेज ही नहीं मैम इसके बारे में। नो आइडिया। मासिक धर्म। आई डोंट नो अबाउट दैट। मेंसेस। अगर लड़कियों की जगह लड़कों को पीरियड्स होते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं? दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। दे कुड हैव हैंडल्ड इट द सेम वे दैट लाइक गर्ल्स डू। पहली बात तो जैसे सबको पता है कि पीरियड्स बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो मे बी आपने इंस्टाग्राम पे एक रील्स देखी होगी कि एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि अगर लड़कों को पीरियड्स में जो पेन हमें होता है, जो क्रैम्प्स हमें आते हैं, अगर वही उनको दिए जाते तो उनको कैसे रिएक्ट होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उस हिसाब से लड़के बिल्कुल भी उन क्रैम्प्स को बियर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं, लड़कियाँ ही वैसे कष्ट होती है, जो मतलब जो लड़कियाँ दौर से बहुत ज़्यादा गुजरती है। अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लड़ाई कर लेंगे, तोड़फोड़ कर लेंगे, इससे ज़्यादा उनसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं हम लोग। ध्यान हो जाते, पागल हो जाते। फ्रस्ट्रेशन से, आई थिंक। लेसर देन फीमेल्स, फीमेल्स तो बेटर हैंडल कर लेती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा फेस करती हैं? हाँ, ऑब्वियसली लड़कियों का हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, अपने घर का होता है, जॉब का होता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है उनका। दिस स्टे बैक एट होम, वही मतलब जैसे लड़कियों के साथ होता है वो भी अपने मतलब आजकल जो चल रही है जनरेशन में, मतलब अपने साथ जब जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों को पैड दी जाती है स्कूल की तरफ से, हर मंथ में मिलती है लड़कियों को पैड मिलती है स्कूलों की। सब बोला जाता है वुमेन इज एम्पावर्ड, ये सब तो आई डोंट थिंक कि बॉयज कर सकते हैं पेन। इंस्टाग्राम वगैरह में वीडियोस भी देखी है कि जैसे उनको क्रैम्प्स दिए जाते हैं तो उनको मतलब प्रॉब्लम होती ही है, सो मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू इट। मैं तो यही कहूँगी, बाकी आई डोंट नो कि उनका मतलब कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि लड़कों को ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा बहुत उन लोगों ने पहले से स्टडी किया होता है, गर्ल्स से सुना होता है, पर उन लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। क्या बोला तूने? रुको जरा, सबर करो। तो लोग मेरे को नहीं लगता कुछ भी हैंडल कर पाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वो सिर्फ लड़कों के साथ घूम फिर सकते हैं और ये सब चीजें बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। अच्छा, होता तो हैंडल करते, जैसे कोरोना आ गया तो मास्क लगा के हैंडल कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ता ना, जैसे मर्जी कुछ भी करो, इलाज तो हर बीमारी का होता है ना, नेचुरली है तो इलाज तो है ना, सब चीज़ का सबके पास है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। इट डिपेंड्स अगेन ऑन गॉड। किस टाइप के प्रोडक्ट्स लड़कों के लिए बनते? फॉर एग्जाम्पल वुमेन यूज पैड्स। Can't say, very imaginative. somewhat a modification of some pads or, for men. Tube jaisa kuch. I've never thought about it. Jo aapko theek lagta hai. I told you the men will use the same product as the women do. Itni imaginations to nahi hai yaar. I don't know, no idea. To dekha aap sabne, logo ke is pe kya reactions the? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं सोनल, मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट, जनकपुरी, न्यू दिल्ली।